रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आइंदा से याद रखना कि ये सब नहीं करना है। तुम आशी के साथ इतनी नानसाबी क्यों करती हो? विद्या हमारी बात सुन लो, काकी का फोन है तो वो अब भी आ रही होगी यहाँ पे। तो मजे करती नहीं और वी को भी नहीं करने दे रही। जाओ दरिया में। कोई बचाओ उसे। विद्या दी, देखा आपने, आप ही आशी को जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई थी और अब ये सब हो गया। अगर मॉम को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। तो अपना मुंह बंद रखेगी ना तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। किसी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, समझी? मैं क्या करूं? छोड़ो, मैं संभालो आशी। मत कैसे हुई मैं छूने की? छुआ कैसे तुमने हमें? पास कैसे आए तुम हमारे? आशी, मैं तुम्हें वहां पानी में आ गई महारानी। पानी में तैराकी चल रही थी। काकी को कैसे पता चला कि मैं पानी में? बहुत अच्छा खेल दिखा रही थी तुम दुनिया को। हाँ, लहर लहर आशी की नहर, कतई शहर। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए, यहां तक कि हमारे बेटे को बचाने के बजाय इन्होंने तुम्हें डूबने से बचाया। हमने तुम्हें यहाँ इस घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, तुमने क्या किया? हमें बदनामी दी, जिल्लत दी, कलंक लगाया हमारे मुंह पर, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमने क्या किया है? क्या किया है? तुमने कांड ही ऐसा किया है, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से कैसे उस लड़के ने तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ कर रखा था और तुम शर्म के मारे पानी पानी हुए जा रही थी। आप गलत समझ रही है काकी, आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल हम पिकनिक पे गए थे तो वहां किसी ने हमको पानी में धक्का दे दिया और हमको तैरना नहीं आता ना, तुम भी होश हो गए थे। उसके बाद हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ, पर जब हम होश में आए तो पर उसने हमें छुआ तो हमने उसे थप्पड़ मारा। कितना झूठ बोलती है ये लड़की। झूठ बोलोगी हमसे? झूठ बोलोगी? हमारी शक्ल पर बेवकूफ लिखा है, दूसरी फेल लिखा है। नहीं काकी, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, पर
हमारा यकीन मानिए, हम सच बोल रहे हैं। अगर हम तुम्हारी बात मान भी ले तो भी लड़के तुम्हें छुएंगे, और तुम छूने दोगी तुम्हारी बेहोशी का गलत फायदा उठाएंगे, और तुम उठाने दोगी। अब हम एक तीर से दो वार करेंगे, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसका कॉलेज जाना भी बंद और सारे लड़के भी इससे दूर भागेंगे। हम कह रहे हैं तुमसे कि अगर उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना छुआ है तो ये तो कानूनी अपराध है ना। हाँ, उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए तुम्हें। जब जेल की चक्की पीसेगा ना, तब समझ में आएगा कि उसने कितना गलत काम किया है। अब खड़े खड़े हमें ताड़ क्यों रही हो? जाओ पुलिस स्टेशन, कंप्लेन करो उसकी। नहीं, एक मिनट, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है मॉम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बाबा, वो आज हम आशी को लेकर पिकनिक गए थे, वहां इसे किसी ने पानी में धक्का दे दिया और ये पानी में डूब के बेहोश हो गई। बाबा, थोड़ी देर और पानी में रहती ना तो आज कुछ भी हो सकता था बाबा। और जिस लड़के की वजह से यहाँ सही सलामत खड़ी है, जिसने इसकी जान बचाई, इसने उसको सबके सामने थप्पड़ मारकर बेइज्जत कर दिया। जान बचाई? हाँ, जान बचाई। तुझे तो पता ही नहीं है आशी कि सेठ कितना अच्छा लड़का है, लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करता है। लड़कियां ना उससे आगे से बात करती है, लेकिन आज तक उसने कभी किसी लड़की का कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन महारानी, आपने तो उसकी इज्जत ही माटी पलेट कर दी। निधि, तू यहाँ क्या कर रही है? चल। तुमने कांड ही ऐसा किया है, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से कैसे उस लड़के ने तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ कर रखा था। आशी। हाँ बाबा, हमको पता है आपकी चाय का टाइम हो गया है, बस ये हाथ का काम खत्म हो जाए ना, फिर हम आपके लिए चाय बना देते हैं। बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम नहीं जानते कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने ये सब कैसे कर दिया। हमें बहुत डर लग रहा था बाबा, हमें एकदम से वो सब कुछ याद आ गया जो बेटा संभाल अपने आप को। काश उस लड़के ने हमको बचाया ही नहीं होता, कम से कम हम काकी को दुख तो नहीं पहुंचाते। बेटा, समय हर दर्द की दवा होता है, और जब समय बीतता है ना तो इंसान के जख्म भी भर जाते हैं। बेटा, हम जानते हैं बेटा कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन बेटा तुमसे एक गलती हुई है, तुम्हें सबके सामने उस लड़के को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। बेटा, उसे तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, अब रोना धोना छोड़ और मुस्कुरा के दिखा। मुस्कुरा 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 बच्चे, मुस्कुरा। Come on, Sandeep! 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 Sandeep!
संदीप। चलिए फिर हम उल्टी गिनती शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हीरो कौन और हीरो कौन। कौन जीता आज? सिद्ध भैया, जो आज एक पंच में आप संदीप को धोबी पछाड़ दिए हो ना, मजा आ गया वाह कसम। अरे भैया ज्यादा हवा में आने की जरूरत नहीं है तुमको, है हम भी भोकाल है भोकाल, दुनिया बंदर तो हम मदारी, दुनिया सांप तो हम सपेरा। भैया हमसे भी जरा डर के रहना, हमें कम ना समझना। वो तो आज बिल्ली के भाग से चिंका फूट गया, वरना तो हमने भी पंचेस दिए थे, और ऐसे नहीं दिए थे हम, धर धर के दिए थे कान के नीचे। ठीक है संदीप भैया, लेकिन जो जीता वही सिकंदर ना। हाँ चलो। वैसे सिद्ध, आज तो इतना खोया खोया क्यों लग रहा था? मैं नहीं, तो कहीं उस लड़की के बारे में नहीं सोच रहा था? उसकी यादों में डुबकी तो नहीं लगा रहा था ना? कौन लड़की, कैसी डुबकी? बात तो ऐसा कर रहा जैसे जानता ही नहीं कुछ, सब मालूम है हमको। ये लो, शैतान का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। पता है इस लड़के ने सिद्ध के साथ बहुत गलत किया, सिद्ध ने इसकी जान बचाई और इसने सबके सामने इसको थप्पड़ मार दिया। ये देखो तो वीडियो भी बन गई, लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आई कि थप्पड़ मारने वाला वीडियो वायरल किया कौन? पता है सिद्ध, अब इस वायरल वीडियो से सबको पता चल जाएगा कि कैसे उसने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। हमारी बात मानो तो एक सलाह देते हैं, तो कहते उस लड़की को सबक सिखाई देते। क्यों विकास, हमारा ईगो इतना छोटा भी नहीं है कि किसी लड़की की गलतफहमी की वजह से हर्ट हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है इस लड़की की आंखों में कोई तो दर्द है, अकेलापन है, कोई कोई सी है, ना जाने किन यादों में किन वादों में। अच्छा, बड़ी जल्दी तूने इसकी तन्हाई पढ़ ली, इसकी जिंदगी, इसकी आंखें, मतलब क्या बात है, गजब भाई गजब। क्या हुआ, शर्मा कह रहे थे? अरे सच कह रहे हैं, हम कंटाप देंगे हमारे शर्मीले भैया। सुनो, किस सेट बड़ा हीरो बन रहा है ना आशी का, लेकिन असली हीरो तो सिर्फ मैं हूँ। आशी सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी।
बाय बेटा। माँ बाप पता नहीं आज कॉलेज में क्या होगा, आशी ने जो सेठ को थप्पड़ मारा था वो वीडियो वायरल हो गया, सारे बच्चों ने कॉलेज में वीडियो देख लिया होगा, अब तक तो पूरी भसड़ हो गई होगी, सेठ भी बहुत गुस्से में होगा। कुछ नहीं होगा, जाओ। बाय। ऑल द बेस्ट। जाओ बेटा, ऑल द बेस्ट। चल। आशी। निधि। बेटा इसमें घबराने की क्या बात है? देख तू एक काम करना, उस लड़के से माफी मांग लेना, आई एम श्योर कि वो तुझे माफ कर देगा। बेटा ऐसी गलतियां तो होती रहती हैं। जय श्री राम। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, ऑल द बेस्ट। चलो जाओ, ऑल द बेस्ट। जी बाबा। आशी तू ठीक है ना? हाँ हम ठीक है, चलो लेट हो रहा है, रिहर्सल के लिए चलता है। देवर देखो इसके, जिसने जान बचाई उसी को मारा। कैसे मतलब बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया? Excuse me. अरे आजकल की तो दुनिया ही ऐसी है, भलाई का जमाना ही नहीं है, हमें कोई ऐसे बचाता तो हम तो उसकी पूजा करते। दो साल में कभी तुझे किसी ने इतना नोटिस नहीं किया जितना आज ये लोग कर रहे हैं। पता नहीं, शायद वो वायरल वीडियो की वजह से। वायरल वीडियो की वजह से देख रहे होते तो फोन में देखते ना, ये पैम्पलेट में देख के तुझे क्यों देख रहे हैं? छोड़ना, चल चलते हैं, लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, जैसे भी जाते से चाली फिर। संदीप प्लीज रुक जाइए, अंदर मत जाइए। क्यों, क्या है अंदर, क्यों नहीं जा सकते हम अंदर? आशीष जी हम आपको कुछ कह रहे हैं तो आपके भले के लिए कह रहे हैं ना, कहे जा रही है अंदर मत जाइए। ऐसा भी क्या है अंदर कि हम जाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हमारा कुछ बुरा हो जाएगा? संदीप हमारा रास्ता छोड़ो, हम लेट हो रहे हैं। आशीष जी हमारी बात मानिए और कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे ना हम, अंदर मत जाइए तो। लेट हो रहा है। आशी तुमको तो मैं इस हद तक गिरा दूंगा कि तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं रहेगा मेरे पास आने के अलावा। अब देखो मेरा नया खेल। देखो ये सब, ये सेट को तो हम बताते। आशी गजब, ये सब सिडने ने तुमने किया है ना? लगा चुनरी में दाग, छुड़ाओ कैसे? अगर अपना अच्छा करना हो तो दूसरे का तो बुरा करना ही पड़ता है ना मेरे भाई। लेकिन ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? भौकाल से सवाल नहीं करते, भौकाल खुद ही खुद में आके जवाब देता है। ये सेठ आशी की प्रेम की नैया में गोते लगाने लगा है ना, तो क्या हम उसको गोते लगाने देंगे? भैया हम खुद गोताखोर हैं, दिल के चोर हैं, तो आशी की प्रेम की दिल की चोरी किसी और को करने देंगे? बेटे हम हैं संदीप, कहीं दिल जले तो कहीं दीप, समझे? अब देखना आशी सेठ से बहुत नफरत करेगी, उसको वो एक आंख नहीं सुनाएगी,
इसका मतलब काटा लग गया। यार मान गए भाई, आज तूने दिखा दिया कि सिद्ध क्या चीज है। कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम उसे जाने दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता है वैसे भी वो लड़की तो लड़कों से दूर भागती है, अब तो कॉलेज आने से पहले भी 100 बार सोचेगी। क्या, किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो और क्या किया है मैंने? सोचा था कि हमने तुम्हें थप्पड़ मार के गलती की, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे हम तो तुमसे माफी मांगने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद समझ में आ गया कि तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें ये क्या, तुम्हें 1000 थप्पड़ भी मारे ना तो भी कम है। अरे तुम क्या मुझे माफ करोगी, मैं बहुत दिलदार हूं, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था जब तुम जानती भी नहीं थी कि सिड है कौन। जानती तो तुम अभी भी नहीं हो, लेकिन अब जान जाओगी कि वाकई में सिड है कौन। कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इस हद तक गिर सकता है। ऐसे लड़कों को पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए। इसे अरेस्ट करने आए हैं। सिर हमारा दुपट्टा दे दो हमको। आशी तुम्हारी बहन यहाँ कॉलेज में रोमांस कर रही है, वो भी बंद कमरों में। अब आपकी इजाजत हो तो घर चले, हमें और कंध में नहीं रहना। बस एक कदम आगे मत बढ़ाना, दहलीज पार करने की हिम्मत मत करना। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है।